Hello guys, today I'll show you how you can create the Firebase database dynamically. ठीक है, आज हम सीखेंगे मतलब कैसे डायनेमिक फायरबेस डेटाबेस को क्रिएट करना है. ठीक है, चलते हैं अपने स्केचर में और क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट. न्यू ऐसे PRJCT. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लीनियर हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं. एक मिनट, इसमें हमको डेटा ऐड करना पड़ेगा फायरबेस का. हम पहले से जो बना हुआ है उसी में चलते हैं ताकि टाइम कम लगेगा. मैंने अभी बनाया था, जैसे कि मेन है इसमें डेटाबेस मेरा ऐड है, फायरबेस की एप आईडी ठीक ऐड है. इसके बाद हमको क्या करना है, ये मैंने एक एडिट टेक्स्ट ले लिया और एक बटन ले लिया. ठीक है, उसका नाम दे दिया ऐड कैटेगरी और दो और एडिट टेक्स्ट ले लिया और एक और बटन ले लिया. ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि इसमें जो वैल्यू है उसमें एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसमें जो डालेंगे उस नाम से. जैसे यहाँ पर मान लिया डालिए हम कुछ भी डाल दिए फ्रूट. ठीक है, फ्रूट पे तो फ्रूट नाम से एक डेटाबेस क्रिएट होगा जब ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे. अब हम चाहते हैं कि फ्रूट के बाद इसमें फ्रूट और फ्रूट का फिर सब कैटेगरी बन जाए एप्पल पाइनएप्पल, तो सब कैटेगरी बनाएंगे. ठीक, और ये डेटाबेस में डायरेक्ट फेच होगा, वो भी डायनेमिकली, मतलब डायनेमिकली डेटाबेस को हम नाम देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमको फायरबेस डेटाबेस ऐड करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, एक फायरबेस डेटाबेस ऐड कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे, मैंने पहले से देख रखा है ये फायर एनडी. और यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे पाथ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. यहाँ पे पाथ आपको नहीं देना है. ठीक ना, क्यों पाथ आपको नहीं देना है, एक मिनट, बिना पाथ दिए ऐड हो पाएगा या नहीं मैं देख लेता हूँ. फ्रेंड एल, सॉरी, बिना पाथ दिए ऐड नहीं होगा. तो आपको कुछ भी ऐसे ही दे देना है, हाँ दे देते हैं माई एप. ठीक है, इसको कुछ भी यहाँ से आपको मतलब नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज करने वाले हैं डायनेमिकली. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, मैं पहले से बना रखा हूँ तो मैं ऐड नहीं करने वाला. उसके बाद क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जब ये ऐड कैटेगरी बटन क्लिक हो, बटन वन क्लिक, देखिए क्या किया मैंने, एक स्ट्रिंग बनाया है, वेरिएबल ऐड किया है, स्ट्रिंग वेरिएबल. ठीक है, टेम्प एसटीआर, TEMP STR, उसमें क्या किया है मैंने एक सेट किया है ये माई एप. ठीक है, मतलब मेरे डेटाबेस में एक माई एप, फायरबेस में जाकर माई एप बनेगा और फिर स्लैश क्या होगा, टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट वन डॉट गेट टेक्स्ट, STR में सेट हो गया. उसके बाद यहाँ पे एक ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक लगाना है और ये वाला कोड ऐड करना है, ये कोड आपको मिल जाएगा मेरे ब्लॉग पे. और यहाँ पे जो TEMP STR, ये वही है जो हम स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं. ठीक ना, जो स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं उसका नाम है ये TEMP STR. इतना करने के बाद आपको मैप क्रिएट करना है, या अगर आप वैल्यू फेच मतलब डालना चाहते हैं कुछ तो आपको ये नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये फायरबेस DB पुश वैल्यू मैप मैंने उसमें पुश कर दिया. ठीक है, ये FRND वही जो हम वहाँ पे क्रिएट किए थे पार देकर कुछ भी, उसी को सेलेक्ट करना है. और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगा. ठीक, उसके बाद हम मैप को क्लियर कर देंगे और सक्सेस. ठीक है, उसके बाद बटन टू के क्लिक पे मैंने क्या किया है, डबल ज्वाइन किया है माई एप स्लैश गेट टेक्स्ट फिर स्लैश मतलब कि कैटेगरी फिर उसका सब कैटेगरी. ठीक है, और फिर से वही कोड मैंने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है. ठीक है, एक नया वेरिएबल बनाया है STR. उसके बाद यहाँ पे सेट कर दिया है STR, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये STR है मेरा. ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया, फिर से वही किया है, रन करके देखते हैं. ये मैंने पहले से रन करके रखा है, आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा. ये रहा मेरा मेन, यहाँ पे हम डालते हैं मान लो क्या फ्रूट. ठीक है, ऐड कैटेगरी कर दिए, सक्सेस. अब डालते हैं फ्रूट, उसके बाद फ्रूट में ऐड करते हैं एप्पल सब कैटेगरी, ये भी सक्सेस हो गया, कोई एरर नहीं आया. मैं आपको डेटाबेस तो दिखा नहीं सकता, एक मिनट ट्राई करते हैं डेटाबेस दिखाने का, शायद दिखेगा या नहीं. गो टू फायरबेस डेटाबेस कंसोल, ट्राई करते हैं, नेट स्लो है इसलिए.
कहाँ पे है प्रोजेक्ट मेरा, सी, हाँ ये वाला है 869। जाते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस नेट स्लो है, वेट अ मिनट लोड ले ले। हाँ ये रहा माई ऐप, किधर गया, ये बंद हो जा भाई माई ऐप। ये रहा माई ऐप, ये मैंने फ्रूट क्रिएट किया कैटेगरी, और फ्रूट के अंदर एप्पल कैटेगरी क्रिएट हो गया। मतलब हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे डेटाबेस को डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो हम डालेंगे उस नाम से भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है हिंदी HD, पहले टेस्ट किया था, ठीक है। ये मैं आपको अपने ब्लॉग पे मिल जाएगा ये सारा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक काले बटन को नीला कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दिल में कोई बात हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।